नमस्कार। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रभावों के बारे में होगा। औद्योगिक क्रांति क्या है, किस क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम विकास हुआ, कहाँ की जन्मदाता है और कैसे इसकी जो है इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, उसके पश्चात क्या इसकी विशेषताएं रही हैं। अब जो हम अध्ययन करने वाले हैं प्रभावों का अध्ययन होगा। प्रभाव जो है जिसके सामाजिक प्रभावों को हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करेंगे कि आर्थिक प्रभाव जो है वो इस क्षेत्र में कैसे कारगर सिद्ध होते हैं। औद्योगिक क्रांति का आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है वो हम जानेंगे। तो औद्योगिक क्रांति जो है उसका सबसे पहला प्रभाव वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि। औद्योगिक क्रांति से पहले जो वस्तुएं बनती थी वो एक सीमित क्षेत्र में बनती थी, बहुत कम संख्या में बन पाती थी क्योंकि चीजें हाथों से बनती थी। जब औद्योगिक क्रांति आई तो वस्तुएं बनने में कम समय लगा, साथ के साथ भारी संख्या में भी बननी शुरू हुई और जो मशीनें जो हैं उनके द्वारा वस्तुओं को ना नए ही तेज गति से बनाना संभव हुआ। मतलब तेज गति से बनाना संभव होने के साथ साथ कम खर्च पे भी तैयार करना आसान हो गया, जिससे जो जनसंख्या बढ़ी बढ़ी और आवश्यकताएं जो बढ़ी लोगों की, उन्होंने उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार की चीजों को उत्पन्न करने का, उत्पादन करने का भी मौका दिया और ये मांग भी सोसाइटी में पैदा हुई कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो पैदा की जाए और मशीनों द्वारा जो तैयार जो माल है उसका उत्पादन जो है वो समय के साथ बढ़ने लगा। दूसरा जो है आर्थिक प्रभाव ये है कि पुराने उद्योगों का विकास हुआ और नए उद्योगों की स्थापना हुई। जो पुराने हथकरघा उद्योग थे उनमें कुछ चेंजमेंट करके, उनमें कुछ जो है बदलाव करके उनको नया रूप दिया गया। कोयला, लोहा व कपड़े के उद्योग की महत्वपूर्ण उद्योग थी जिनको नए नए आविष्कारों के द्वारा उनमें नयापन डाला गया। इन उद्योगों को विकसित किया गया। इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस ये ऐसे देश थे जिन्होंने कोयला और लोहे के उत्पादन में वृद्धि की। इन देशों के में कपड़े का उत्पादन भी बढ़ा, साथ साथ विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने प्रगति के क्षेत्र में चार चांद लगा दिए। इलेक्ट्रिक जो इंडस्ट्रीज है उनके आविष्कार ने भी लोगों के जीवन को सरल सरल बनाया और मानव जीवन में महान परिवर्तन किया। प्रथम तो जो कारखाने थे वो अब बिजली से चलने लगे। इसके अलावा जो नए धंधे हैं जो कि बिजली पर निर्भर थे वो भी अब प्रचलित हुए। तो इस तरीके से जो नए आविष्कार हैं उन्होंने नए उद्योग धंधों को विकसित रूप प्रदान किया। नई अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भरता। नई अर्थव्यवस्था जो है वो औद्योगिक क्रांति की वजह से बड़ी तेजी से 1870 के बाद यूरोप में उन्नति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योग धंधों के लिए धन की जो है आवश्यकता महसूस होने लगी। क्योंकि बिना पैसे के कोई उद्योग चल सकता है नहीं, पैसा होगा तभी कोई उद्योग जो है वो विकसित स्थिति को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंग्लैंड में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों ने स्टॉक कंपनियां स्थापित की। ये स्टॉक कंपनियां एक्सचेंज भी जो है भारी संख्या में प्रचलित हुए। इतना ही, एक धंधा करने वाला जो उद्योगपति होता था वो वस्तुएं और कच्चे माल के मूल्यों को अपनी इच्छा अनुसार रखने के लिए भी जो है आपस में समझौते करने लगे। वो स्वतंत्र थे पर कितना था वो आपस में समझौता डील कर लेते थे कि इस चीज का ये भाव रखना है और आपस में सहमति से वो ये भाव रख लेते थे। इसके अलावा है यातायात और संचार के साधनों का विकास। तो औद्योगिक क्रांति के कारण यातायात और जो संचार के साधन है वो विकसित अवस्था में आ जाते हैं, उनकी खूब विकास होता है। 1871 के पश्चात अनेक जो एल्प्स पर्वत है उसमें से सुरंग निकाली गई जिससे फ्रांस और इटली को रेल मार्ग के द्वारा जोड़ा गया। 10 साल के भीतर भीतर एक और सुरंग इटली और जर्मनी को आपस में जोड़ने के लिए निकाली गई। तो ये मात्र एक उदाहरण है। प्रतिभाशाली जो इंजीनियर थे उन्होंने नए नए पर्वतों के अंदर से सुरंग निकाल कर नए रास्ते जो है वो खोजे। इसके अलावा जो यूरोप है उसमें इसके फलस्वरूप 2 लाख मील रेल लाइन जो है वो बनकर तैयार हुई, जिन पर भारी इंजन भारी गाड़ियां जो है वो 60-70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। तो आप देख सकते हो कि कितना जो है इससे समुद्री जहाजों द्वारा यात्रा करना भी आसान हुआ। समुद्री जहाजों के क्षेत्र में भी नए नए परिवर्तन किए गए। इसके अलावा टेलीफोन, तार, टेलीग्राफ इनके आविष्कारों ने जो है दूर दूर तक संदेश पहुंचाना अब कठिन नहीं रहा, चीजों को सरल बनाया। इसके पश्चात आता है आर्थिक साम्राज्यवाद। आर्थिक साम्राज्यवाद क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति की जो नीति है उसको अपनाने से देश जो है उसको विवश होकर आर्थिक साम्राज्यवाद की ओर अग्रसर होना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धीरे धीरे जो माल है वो तैयार इतना होने लगा कि जिसकी खपत देश में संभव नहीं थी। मशीनें जो हैं वो भारी तादाद में माल उत्पन्न करने लगी
जिसकी खपत के लिए उनको दूसरे देशों में मंडियों की तलाश करनी पड़ी। मंडियां जो है तलाश करनी शुरू की गई, जिससे जो फालतू माल है, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन होता था, उसको अन्य जो देश हैं उनमें बेचा जा सके। इसके लिए एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में बड़ी बड़ी मंडियां जो है वो स्थापित की गई। इन बस्तियों में उन्होंने कारखानों के लिए उनको कच्चा माल मिल जाता था और तैयार माल वो उन देशों की मंडियों में भर देते थे। धीरे धीरे यहाँ पर विशाल उपनिवेश जो है वो स्थापित कर दिए। इसके पश्चात है अन्न के लिए निर्भरता। चाहे औद्योगिक क्रांति जो है उससे इंग्लैंड के शहरों ने खूब प्रगति कर ली थी, लेकिन आज भी वो जो है अन्न की कमी से जूझ रहे थे। अन्न की कमी फ्रांस और जर्मनी को काफी अन्न बाहर से मंगवाना पड़ता था। इवन इंग्लैंड जो है उसको प्रथम विश्व युद्ध आरंभ जब होता है 1914 के करीब, उस समय भी उनका 80% जो अन्न है वो विदेशों से मंगवाया जाता था। चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में कितना भी विकसित क्यों न हो गए हो, लेकिन अन्न की निर्भरता जो है वो विदेशों पर अपनी बरकरार थी। इसके पश्चात है भौतिकवाद और यथार्थवाद। तो इस समय में औद्योगिक क्रांति के फलीभूत जो यथार्थवाद है, जो भौतिकवाद है, उसका आरंभ होता है। इसका कारण ये था कि जो औद्योगिक राष्ट्र है वो भौतिक जो क्षेत्र है उसमें असाधारण उन्नति जो है वो कर रहे थे। लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा था, रहन सहन बदल रहा था, सब कुछ सबको बढ़िया चाहिए था, जिसके वजह से जो भौतिकवाद है उसकी विचारधारा लोगों के अंदर विकसित होने लगती है। इसके अलावा नौकरियां हैं, तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो हाथों का काम है वो मशीनों ने लिया था। बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे कुछ समय के लिए। जो काम एक व्यक्ति करता था, जो काम एक मशीन जो है 40 व्यक्तियों का काम एक साथ करने लगी, 40 व्यक्ति एक साथ बेरोजगार हुए। बड़ी संख्या में लोग इस समय बेरोजगार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है, औद्योगिक क्रांति में नए धंधे शुरू हुए और लोगों को जो है रोजगार मिलने लगा। अब जो है यूरोप में कुछ समय के लिए जो बेकार हो गए थे लोग, उनको दोबारा से रोजगार जो है उनके अवसर मिल जाते हैं। तो ये सब आर्थिक सुधार थे। इसके पश्चात राजनीतिक जो प्रभाव है वो क्या रहा, राजनीति के क्षेत्र में जो है औद्योगिक क्रांति क्या प्रभाव डालती है, अब हम वो जानेंगे। तो धनवान और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। बिल्कुल, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, इन बड़े बड़े औद्योगिक और धनी जो शक्तिशाली वर्ग है, शक्तिशाली नगर है, उनका उदय होता है, उदय होता है। इनके पास लोहे कोयले के तो अनंत भंडार थे ही, साथ के साथ बड़े परिश्रम करने के लिए मजदूर भी थे। बड़ा परिश्रम जो है उसका भी विकास इन्होंने कर लिया था। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असाधारण वृद्धि हुई। पैसे के भी कोई अभाव नहीं था, जिसकी वजह से जो ये क्षेत्र है ये काफी वृद्धि कर पाते हैं। राज्य अपनी संपत्ति और साधनों के बल पर संसार के अन्य देशों में अग्रणी जो है वो हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। दूसरा है विश्व राजनीति का युग। तो 1870 के बाद यूरोप के जो धनी और शक्तिशाली राज्य हैं उन्होंने साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया, जिसके कारण बीसवीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड एक ऐसा जो है उपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब होता है, जिसमें उसकी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा लोग बस रहे थे। अर्थात इंग्लैंड ने जहाँ उपनिवेश स्थापित किए वो बड़े बड़े जो है पिछड़े हुए महाद्वीप थे, जहाँ पर वो अपनी उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं। उपनिवेशित जो साम्राज्य थे उनके स्थापित होने पर यूरोप महाद्वीप का इतिहास अब यूरोप का न रहकर संसार का इतिहास जो है वो बन चुका था। यूरोप के जो राजनीतिज्ञ थे उनकी रुचि अब महाद्वीप के मामलों तक सीमित न रही, बल्कि वो विश्व की राजनीति में रुचि लेने लगे थे, क्योंकि उनके उपनिवेश बड़े बड़े महाद्वीपों में स्थापित हो गए थे। वो खुद जो है अपने एक राष्ट्र तक सीमित न रहकर बड़े लेवल पे पहुंच गए थे, विश्व लेवल पर जो है वो पहुंच गए थे। इसलिए जो है विश्व राजनीति का युग इसको कहा जा सकता है। इसके बाद नौकरशाही शासन का, तो गाँव की जो जनसंख्या है वो कम हो गई थी औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप। शहरीकरण जो हो गया था, लंदन, पेरिस, बेल्जियम, मास्को, ये बड़े बड़े जो नगर हैं अस्तित्व में आ गए थे, जहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे 10 लाख तक बढ़ गई थी। इसके अलावा सरकार जो है इन्होंने इन नगरों में सड़कों, रेलों, नहरों, सब सुविधाएं जो है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इन परिस्थितियों में जो है सरकार का कार्य क्षेत्र बढ़ा, उनकी जिम्मेदारी बढ़ी। जब शहरीकरण किया गया है तो कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, इसीलिए जो है नौकरशाही पर आधारित जो है वो इस समय युग हो गया। बुजुर्वा शक्ति जो है उसका आरंभ या बुजुर्वा शक्ति जो है उसका अभेद्य है। तो औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो भूमिपति थे वो यूरोपीय शक्तिशाली और जो है धनवान माने जाते थे, लेकिन इसके पश्चात जो व्यापारी वर्ग है वो एक नया देते हैं कि
में आते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी, शाहूकार इस वर्ग में शामिल होते हैं। समाज और सरकार में जो ये बुजुर्गवा वर्ग है, इसका शक्तिशाली होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि जो लाखों मजदूर हैं, परिवार हैं, वो अपनी आजीविका के लिए उन पर निर्भर थे। तो इस तरीके से जो है बुजुर्गवा वर्ग, इसका शुभारंभ जो है वो उस समय में इंग्लैंड में होता है, क्योंकि उद्योगपति जो थे वो धनवान संपन्न वर्ग था, जो लोगों को नौकरियां देते थे, मजदूरी देते थे, ठीक है, उनकी आजीविका चलाने का उनको साधन देते थे। इसके बाद है मजदूर वर्ग के आंदोलन। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो हजारों मजदूर हैं उनको काफी कष्ट उठाने पड़े, उनको जो है समान कार्य करने का अवसर मिला, साथ साथ उनके अंदर नई जागृति जो है वो भी जगाने का कार्य औद्योगिक क्रांति ने किया, जहाँ उनके साथ जो है मेलजोल आपस में हुआ लोगों का। इंग्लैंड और फ्रांस के जो मध्यम वर्ग है उनको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए, तो मजदूर जो है वो भी अपने अधिकारों के लिए जो है इच्छा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इंग्लैंड के जो मजदूर वर्ग है उन्होंने 1838 से 48 के बीच जो आंदोलन छेड़ा उसको चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। क्या आंदोलन था ये? इसमें जो है इंग्लैंड की जो प्रत्येक बालक है उसको वोट मिले, ऐसा कहा गया, ऐसी मांग की गई। इसके अलावा वोट देने के लिए जो प्रोसीजर है वो सीक्रेट हो, पार्लियामेंट का सदस्य बनने के लिए संपत्ति होनी जरूरी नहीं है, तब उनको भी पार्लियामेंट में सदस्य चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा जो है इस प्रकार के कुछ अन्य जो आंदोलन है वो काफी समय तक विफल रहते हैं, लेकिन अंततः जो है 1870 तक इंग्लैंड, जर्मनी और जो फ्रांस में जो मजदूर थे, श्रमिक वर्ग थे, वो वोट देने का अधिकार पा लेते हैं। आप ये समझ सकते हो कि जो मजदूर वर्ग है उनके आंदोलन भी इस समय औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम थे। इसके अलावा नए राजनीतिक सिद्धांत, तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो औद्योगिक राज्य थे उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन क्षेत्रों में परेशानियां आई। ऐसा नहीं है कि वो पूर्णता ही परिपूर्ण थे। परेशानी जब कोई नई चीज होती है, नई चीज आती है, तो उसके परिणाम स्वरूप परेशानियां भी जागृत होती हैं। तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में जो परेशानियां उत्पन्न हुई उसके लिए हल निकालने के लिए तत्कालीन समय के जो विचारक थे उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करने आरंभ किए। इन विचारकों ने जो समाजवाद का सिद्धांत था वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इंग्लैंड में उसका जो जन्मदाता रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, जो कि समाजवाद के सिद्धांत के आविष्कारक रहे हैं या समाजवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। फ्रांस में सेंट साइमन है, लुई ब्लॉक है, जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के जो सबसे प्रसिद्ध हैं वो कार्ल मार्क्स समाजवादी माने जाते हैं। उनका ये विश्वास था कि जो संपत्ति व उत्पादन के जो साधन है वो राज्य के अधिकार में होनी चाहिए, राज्य उसका स्वामी होना चाहिए, जो जिससे जो सारी प्रजा है उसका कल्याण हो। इसके अलावा वो लोकतांत्रिक सरकार के समर्थक थे, लोकतांत्रिक सरकार में उनका विश्वास था, मजदूरों की एकता पर उन्होंने बल दिया। तो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स हुए, रॉबर्ट ओवन हुए, सेंट साइमन हुए और लुई ब्लॉक हुए, ये तत्कालीन समय के समाजवादी हैं जिन्होंने लोगों को पथ प्रदर्शन करने के लिए नए नए राजनीतिक सिद्धांत तत्कालीन समय में प्रस्तुत किए। इसके अलावा सैनिक संगठन में परिवर्तन, तो औद्योगिक क्रांति की वजह से सेना शक्ति जो है, सैनिक संगठन जो है, उनमें भी परिवर्तन जो है वो युगांतकारी परिवर्तन होते हैं। जो पुरानी तोपें थी उनका स्थान नई तोपों ने ले लिया। 1867 में फ्रांस ने एक ऐसी तोप तैयार की जो 1 मिनट में 125 राउंड जो है वो छोड़ती थी। तो इस तरीके से टेलीफोन की सहायता से विशाल सेनाओं के दस्ते जो हैं वो तालमेल बिठाने आपस में संभव हो पाए, उनकी अंदर समन्वय बनना संभव हुआ। समुद्री जहाज जो हैं उनके बनाने से भी काफ़ी परिवर्तन हुए। लकड़ी के स्थान पर लोहे और इस्पात का प्रयोग जो है वो जहाजों बनाने के लिए किया जाने लगा। मजबूती आई जहाजों में, जिसके साथ साथ जो है सैनिक क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन इस समय में होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी ऐसे देश हैं जिनके बीच जो रेल लाइन है उनके बीच जाने से आपसी जो संबंध है, आपसी संपर्क जो है वो बढ़ता है। हवाई जहाजें, समुद्री जहाजें, इन्होंने समुद्र पार के जो देश हैं उनकी यात्रा को संभव बनाया। टेलीफोन, तार, वायरलेस ये ऐसे संचार के साधन थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ाने में सहयोग किया। ऐसी परिस्थिति में व्यापार, सामाजिक, आर्थिक संबंध जो हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिलने लगा। धीरे धीरे करके एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो स्थापना है उसका अनुभव होने लगता है। इस तरीके से औद्योगिक क्रांति जो है उसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। बिल्कुल नए नए आविष्कारों ने लोगों को विवश किया,
कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्य करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों को बनाए। तो इसके अलावा जो है यूरोप जो है वो उस समय संसार का नेता बन गया था औद्योगिक क्रांति की वजह से। एक अन्य प्रभाव ये भी रहा है कि लोहे कोयले और इनके उत्पादन की वजह से यूरोपीय जो देश है वो तत्कालीन समय में सबसे अग्रणी हो गए थे, प्रथम स्थान जो है वो उस समय प्राप्त कर चुके थे। विज्ञान टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हुआ। 1914 के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है उसके पश्चात अमेरिका ये स्थान ले लेती है। औद्योगिक क्रांति की वजह से लोग जो है वो अपना बहुपक्षीय विकास करते हैं। इंग्लैंड के बहुत सारे जो राज्य रहे हैं उन्होंने इस क्षेत्र में अपना काफी योगदान दिया, काफी विकास किया। औद्योगिक क्रांति से राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक हर स्तर पर जो है औद्योगिक क्रांति ने अपनी गहरी छाप छोड़ी है। आज यूरोप जिस अवस्था पर खड़ा है वो औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही यूरोप आज इस स्थिति में है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है आपका यहीं पे खत्म होता है। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे ही तैयार करना है, इटली में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, किस प्रकार हुई, क्या इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव रहे, ये सब आप अपने क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊंगी। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।